वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की डिजीज़ ऑफ बिट्रस से। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिजीज़ ऑफ बिट्रस के चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा नंबर वन दिया है साइनेकियासिस रेफर्स टू। इसमें हमारे फोर ऑप्शन हैं। ए दिया हुआ है लिक्विफैक्शन ऑफ द बिट्रस, बी ब्लैक स्पॉट इन फ्रंट ऑफ द आईज, सी कोलैप्स ऑफ द बिट्रस, डी डिटैचमेंट ऑफ द बिट्रस। द करेक्ट ऑप्शन इज लिक्विफैक्शन ऑफ द बिट्रस। ऐसे नंबर टू की बात करते हैं, साइनेरेसिस रेफर्स टू ए लिक्विफैक्शन ऑफ द बिट्रस, ब्लैक स्पॉट फ्रंट ऑफ द आई, सी कोलैप्स ऑफ द बिट्रस, डी डिटैचमेंट ऑफ द बिट्रस। द करेक्ट ऑप्शन इज कोलैप्स ऑफ द बिट्रस। नंबर थ्री की बात करें, इन बिट्रस वेज डिटैचमेंट बिट्रस बॉडी इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स अटैचमेंट विद द ए ऑप्टिक डिस्क, बी ऑरा सेराटा, सी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, डी फोबिया सेंट्रालिस। द करेक्ट ऑप्शन इज ओरा सेराटा। फोर नंबर की बात करूँ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एस्ट्रॉयड हाइलोसिस एक्सेप्ट ए यूजली बायलेटरल, बी सॉलिड बिट्रस, सी स्फेरिकल कैल्शियम बॉडीज, डी यूजली असिम्प्टोमैटिक। द करेक्ट ऑप्शन इज यूजली बायलेटरल। नंबर फाइव, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ साइनेकियासिस सिंटिलेंस एक्सेप्ट ए फ्लूइड बिट्रस, बी स्फेरिकल कैल्शियम बॉडीज, सी श्योर ऑफ गोल्ड रेन, डी सेकेंडरी टू ट्रोमा और इन्फ्लामेशन ऑफ द आई। द करेक्ट ऑप्शन इज स्फेरिकल कैल्शियम बॉडीज। नंबर सिक्स की बात करें, बिट्रेक्टोमी शुड बी कंसाइडर्ड इफ द बिट्रस हैमरेज इज नॉट एब्जॉर्ब विद इन ए 1 month, बी 3 month, सी 6 month, डी 2 month। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 month। प्रीसिस्टेंट पर प्लास्टिक प्राइमरी बिट्रस में भी एसोसिएटेड विद ए लॉन्ग सिलरी प्रोसेस, बी माइक्रोफ्थैल्मस, सी कैटरैक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। नंबर एट की बात करूँ, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बिट्रस हैमरेज ए डायबिटीज, बी हाइपरटेंशन, सी ट्रॉमा, डी लेंस एक्सट्रैक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉमा। नंबर नाइन, बिट्रस हेमरेज इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट ए कोर्स ऑफ डिजीज, बी ईल्स ऑफ डिजीज, सी CRBO, डी CRAO। द करेक्ट ऑप्शन इज CRAO। टेन नंबर की बात करूँ, बिट्रस हेमरेज सीन इज नॉट सीन इन ए हाइपरटेंशन, बी ईल्स डिजीज, सी ट्रॉमा, डी डायबिटीज मेलाइटस, ई बिट्रस डिजनरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज बिट्रस डिजनरेशन। 11 नंबर की बात करूँ, अ बिट्रस एस्पायरेट हैज़ बीन कलेक्टेड इज एन इमरजेंसी एट 9 PM, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टाफ ऑन ड्यूटी रिगार्डिंग द ओवरनाइट स्टोरेज ऑफ द सैंपल। ए द सैंपल शुड बी कीप्ड एट 40 degrees Celsius, बी द सैंपल शुड बी incubated at 37 degrees, see the sample should be refrigerated in deep freezer, d the sample should be refrigerated for the initial 3 hours and then kept at 30 degrees Celsius. The correct option is the sample should be kept at 4 degrees Celsius. Number 12, Ehl's disease is recurrent optic neuritis, recurrent papilloedema, recurrent periphalvitis retinae, D none. The correct option is recurrent periphalvitis retinae. Number 13, Ehl's disease is retinal hemorrhage, B vitreous hemorrhage, C conjunctival hemorrhage, D choroidal hemorrhage. The correct option is vitreous hemorrhage. So विट्रस ऑफ द डिजीज़ ऑफ विट्रस से हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs कवरअप किए,
इनको आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।